हम जो डेवलपमेंट किया है 3-400 प्रोजेक्ट तो हम कंप्लीट करके हर मन के साथ बोलता हूँ, 3 सगाली और 4-3 रेमुख में बीजेपी का विधायक ही होगा, तो उसके लिए आप लोग इलेक्शन एजेंट में भी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था कनेक्टिविटी का ऊपर में हम पूरा रखा था, तो अभी कर रहे हैं। तो, में जो है वहाँ भी नेटवर्क नहीं है, उसको लेके आपने क्यों बात नहीं? नहीं, मैंने उसमें ये मेंगो का भी दिया है, उसका बाद ये जो गोतुपू का भी दिया है, वो सेकेंड पेज में आने वाला है, वो भी आएगा, 24 नहीं आने से पहले आ जाएगा। मीटिंग ये एक सिस्टम है और ये बीजेपी का एक ही सिस्टम है कि सेंट्रल से फिर स्टेट, स्टेट से फिर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से मंडल, तो ये हर उसका एक रीति रिवाज है और उसका कार्य शुरू से ऐसे ही चल के आया है। इस पे हम लोग का जो बीजेपी का अंदर में जो जैसे जैसे काम किया, हम लोग का जो नेता लोग काम किया, कोई भारतीय लोग काम किया, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करता है और इसमें जो भी हम लोग का कार्य में क्या क्या काम किया उसका बारे में भी बताता है। वो सब चीज़ हम लोग का जो पार्टी में है, पार्टी का मतलब जो पार्टी में बोला है, जैसे देश पहला और स्थान में रखता है और उसके बाद पार्टी, उसके बाद अपना एक रीति रिवाज जो चलना है चलता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो मंत्र पढ़ा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबका प्रयास, जो ये मंत्र है। और बॉर्डर का क्या अपडेट है? बॉर्डर का अपडेट तो हम लोग का तरफ से देखिए, हम लोग पूरा होम वर्क, पूरा का पूरा वर्क किया है, जो जहाँ बॉर्डर एरिया हम लोग का 3 किलोमीटर के जो चटर्जी कमीशन का मुताबिक हो, तो असम लोग पूरा का पूरा ब्लाइंडली दे रहा है और असम ये भी कर रहा है जहाँ 4 किलोमीटर भी पहुँच गया उसको भी दे रहा है, जो जहाँ जहाँ पब्लिक ऑक्यूपाइड एरिया है, तो उन लोग का तो पॉजिटिव है। लेकिन असम का ये कहना है फॉरेस्ट एरिया को तो हम लोग नहीं दे पाए, जहाँ फॉरेस्ट एरिया है उसको हम लोग ये भी बोला था कि ठीक है आप लोग फॉरेस्ट एरिया को नहीं देगा, तो हम लोग को कनेक्टिविटी के लिए जाने आने के लिए हम लोग को कम से कम तो आप दे दीजिए, तो बोल के हम लोग 1 किलोमीटर हाफ डिमांड किया था, उन्होंने बोला इतना तो हम लोग दे नहीं पाएगा, 500 मीटर तक मतलब हाफ किलोमीटर तक हम लोग देगा फॉरेस्ट एरिया को भी, ये बोला है। लेकिन पब्लिक का बोलना है कि नहीं पैरेलल देना है, पैरेलल तो ये कोई हमारे हिसाब से ये कोई सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अपना जमीन को हम लोग को दे रहा है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुताबिक, तो उसको हम लोग बोलने से पब्लिक लोग हरा पाता है, तो फैक्ट को तो फैक्ट बोलना है, बेस को बेस ही बोलना है, तो गोरू को गोरू ही बोलना है। लेकिन हम लोग का आदमी बोलना है ये थोड़ा सा हम इसलिए हम लोग तब तो हम लोग तो ऐसे होने से ये जो मुद्दा को हम लोग उठाया जाता है, क्योंकि इसको जो भी कांग्रेस सरकार समय में दोनों स्टेट कभी नहीं चलता था, असम में भी कांग्रेस था, अरुणाचल में भी कांग्रेस था, सेंट्रल में भी कांग्रेस था, कोई उसको कोई इंटरेस्ट लेने वाला नहीं था। लेकिन ये तो दोनों स्टेट पॉजिटिव है प्लस सेंट्रल पॉजिटिव है, तो हम लोग बोला है चलो तो परमानेंट एक सोल्यूशन बने और हमारा आदमी भी शांति से रहे और उन लोग का आदमी भी शांति से रहे। हर दिन में मारपीट करते रहेगा तो झगड़ा करते रहेगा, तो अपना भाई भाई का बीच में झगड़ा करते रहेगा तो शांति नहीं होगा, माइकी मुद्दा का बीच में भी झगड़ा होता है तो परिवार में शांति नहीं होता है, तो ठीक उसी तरह हम लोग का बीच ये एक असम भी एक हिंदुस्तान ये देश है, हम भी हिंदुस्तान का देश है, भारत देश में दोनों रह करके दोनों झगड़ा करते रहे, ये तो अच्छा चीज़ नहीं है। हम तो ये अपील करता है सबको, ये इसको अभी हम लोग को 6 मंथ का टाइम दिया है, तो इसलिए मैं पब्लिक को डीसी को हम ऑर्डर लेटर लिख चुका है, हर जिला से और हर ग्राम पंचायत से एक ग्राम पंचायत मेंबर
एक गांग बुरा और एक इलाज का कोई आदमी, वो पंचायत में है, तो तीन तीन आदमी बुला करके ओपनली डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने बोला है, उसको डिसीजन लीजिए, हम लोग को 6 मंथ टाइम दिया है, इस 6 मंथ में नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, और उसको डिसीजन दे करके हम लोग को देने के लिए बोला है, तो इसलिए मैंने बोला है तो पब्लिक व्यू से हम लोग ऐसे तो ले लेगा, हम लोग का व्यू नहीं मानता है तो पब्लिक व्यू से ले लेते, पब्लिक क्या बोलता है, तो वो बात लेकर के हमने डिस्ट्रिक्ट को मीटिंग बुलाने के लिए बोला है, तो अभी क्या करता है उन लोग देखते हैं, और इस पे थोड़ा सा कोई कोई लोग पॉलिटिक्स भी हेल रहा है, ये पॉलिटिक्स हेलेगा तो ये सोल्यूशन नहीं होगा, तो इस पे मैं तो बार बार बोलता हूँ पॉलिटिक्स नहीं हेलना चाहिए, और इस मुद्दा को हम लोग जो हम बीजेपी का प्रेसिडेंट था तब से हम लोग अवेयरनेस शुरू किया है, अवेयरनेस शुरू करके असेंबली में हम लाया, क्वेश्चन उठाया, उसका बाद सरकार जा करके ये डिसीजन में आया है कि गिव एंड टेक पॉलिसी करना है, वो बोल करके किया है, लेकिन अभी गिव एंड टेक पॉलिसी नहीं करेगा तो ये सोल्यूशन नहीं होगा, तो मेरा यही दोनों स्टेट को हमारा यही अपील है कि इसको टाइम का मुताबिक उसको सोल्यूशन में लाने से अच्छा है, और सोल्यूशन में लाने से चाहे गिव एंड टेक पॉलिसी को पूरा हम लोग फॉलो अप करना है, और दोनों पब्लिक को मेरा यही अपील है कि इसको सोल्यूशन में लाने से अच्छा है और अपना के लिए अच्छा होगा, मैं समझता हूँ। अभी आपका ये 14 में सर क्या क्या डेवलपमेंट चला है? मेरा तो डेवलपमेंट क्या चला है आप देखा है, आपको दिखा देने से गिनने में तो आपको एक दिन लग जाएगा पूरा, वो जितना हम जो डेवलपमेंट किया है 3-400 प्रोजेक्ट तो हम कंप्लीट करके हर बस्ती में हम पूरा पानी पहुंचाया, और जो पीएम या प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना से भी पहुंचाया, और जो जो जहां ब्रिज नहीं था उसको ब्रिज कर रहा है, जो जो जहां हैंगिंग ब्रिज भी नहीं था उसको भी हम कर रहे हैं, मतलब जो करना है हम, जहां सड़क नहीं था उसको भी हम पहुंचा रहे हैं, तो हमारा इलेक्शन एजेंट में भी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था कनेक्टिविटी का ऊपर में हम पूरा रखा था, तो अभी कर रहे, और हमको तो 2 साल टाइम नहीं मिला, कोविड पूरा चला गया, 2 साल और हमको टाइम मिलता और हम हजारों प्रोजेक्ट हमारा एरिया में ला करके कंप्लीट करता, आप लोग खुद देख रहे हैं, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, आप यदि चाहे तो हम लिस्ट दे देगा, आप लिस्ट ले करके आप बता देना पब्लिक को। सर अभी इलेक्शन भी आने वाला है, 24 को आने वाला है, तो आप ये ज्योति रोड का खत्म होगा सर? ज्योति रोड तो खत्म होने वाला है आपका, आप देखा होगा सर, आपका 9 ZPM चला गया, इसे आपका इलेक्शन का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो हमारे लिए तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम हमको जनता प्यार है कि नहीं, कोई भी जनता से हम शिकायत भी नहीं है, और कोई भी जनता हमको भी कंप्लेन नहीं है, कि जो जिसको इंडिविजुअल जो कंप्लेन तो होगा उसको तो भगवान भी मिटा नहीं सकेगा। जो फ्लेक्सी प्रोग्राम या 9 ईयर्स में कितना काम किया है हमारा पार्टी में चर्चा हुआ बताया, और हम लोग हाईलाइट किया, और हमारा माने राज्य का जो मुख्यमंत्री उसको हम लोग का उसका कितना यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, हम लोग उसको चर्चा चलाया बताया, और पेमा खांडू का लीडरशिप में हम लोग पब्लिक खुशी है, और कितना रेलवे कनेक्टिविटी, एयरवे कनेक्टिविटी, उसका बाद में हाईवे कनेक्टिविटी, कितना यहाँ में हम लोग का ये डेवलपमेंट हुआ है आज तक, उसके विषय में हम लोग चर्चा चलाया बताया, और मंडल लेवल में और BLC लेवल में 30 डेज का अंदर में हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ने हम लोग को एक ऑर्डर जारी किया है, हम लोग ब्लॉक 2024 स्पेशली 2024 इलेक्शन के लिए हमारा सांसद MP को यहाँ से जिताना है, और एकदम और पार्टी का तरफ से और हमारा यहाँ का MLA लोकल MLA जिसको भी टिकट देगा उसको हमने जिताने का, हमारा स्टेट गवर्नमेंट और पेमा खांडू का लीडरशिप में पार्टी के लिए हम लोग 14 DMO की तरफ से यूनिनिमस हम लोग इस बार सपोर्ट करेगा। हमारा ये पार्टी का
ये जो कार्यक्रम है क्योंकि नेशनल में ये एग्जीक्यूटिव होने का बाद तो स्टेट में होता है, तो स्टेट का बाद डिस्ट्रिक्ट होता है। जो चीज़ नेशनल और स्टेट जो पास किया है तो उन्हीं चीज़ को हम लोग भी यहाँ में मूव किया है। जैसा हमारा सरकार अब तक यह जनता के लिए क्या किया है और पार्टी जो जनता के लिए अब तक क्या किया है, तो उसी चीज़ को लेकर भी हम लोग अभी यह जो डिस्ट्रिक्ट में पास किया और सारा कार्यकर्ता को बताया अब तक हमारा सरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार अब तक क्या किया, उस चीज़ को पूरा बताया तो विस्तार से उन लोग भी समझ गया। वही था आज का जो मीटिंग था ना। तो सर ये 2024 इलेक्शन के लिए कुछ आप लोग ने आज डिस्कशन किया? देखिए 24 के लिए हम लोग आज ये जो कुछ भी डिस्कस नहीं किया, ये पार्टी का कार्यक्रम था। जब 24 आएगा तब देखा जाएगा। हम तो पूरा उम्मीद के साथ ये तन मन के साथ बोलता हूँ 15 सगाली और 14 रेमुख में बीजेपी का विधायक ही होगा, तो उसके लिए आप लोग इसमें चिंता नहीं करना है। वो हमारा पार्टी कार्यकर्ता और नीचे क्षेत्र की जनता का साथ पूरा मिलकर दोनों जगह में पोल को खिलाएगा। सर कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सगाली में तो बीजेपी नहीं है, ये सुनने को मिलता है। नहीं, कौन बोला ऐसा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब मैं यहाँ जिले की अध्यक्ष हूँ, सगाली में पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ भरपूर है। सगाली से स्पोक पर्सन या दमनी बिलोंग करता है, वही पार्टी का कार्यकर्ता है। सगाली से दो वाइस चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन आपका यह दुख साहा, और यह जो डेमोक से जो विस्तारक रूप में भी एक्सपीरियंस है बोकेन किनो जी वाइस प्रेसिडेंट, तो सगाली में कार्यकर्ता अभी तक है। तो समय का साथ ही हम लोग चलेंगे। अपोजिशन पार्टी का साथ किस तरह का हम लोग तय करके इलेक्शन लगे उसके लिए हम लोग अभी विचार कर रहा है और कर भी रखा हुआ है। और 2024 में सगाली में भी पुल ही खिलेंगे, उतना ही मैं ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ। सर लास्ट टाइम शायद आप टूर में था सगाली में, जितना भी जो सर्कल है वो टूर में आप गया, आपका तरफ से आपको क्या क्या एवरेंस वहाँ पर दिया है? देखिए मेरा जब टूर था तो मैंने वहाँ का नीचे क्षेत्र के BLC सर्कल प्रेसिडेंट जो भी पार्टी का जो ये जो GPC GPM सबको मैंने कहा सब लोग डिसिप्लिन से रहिए और पार्टी का जो भी यह जो कार्यक्रम आता है नीचे क्षेत्र पहुंचना है और केंद्र सरकार राज्य सरकार से जो भी स्कीम आता है और उसको नीचे यह जो नीचे क्षेत्र हम लोग का काम है पहुंचाना है। आपका केंद्र सरकार से चावल फ्री दिया, उसके बाद गैस फ्री दिया, तो बहुत ही ऐसा चीज़ है जैसा यह टॉयलेट फ्री दिया घर या जो टॉयलेट का घर, ऐसा बहुत है क्योंकि ये सारा सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया, उसके साथ साथ राज्य सरकार भी बहुत दिया। तो उस चीज़ का अब तक हमारा सरकार केंद्र और राज्य सरकार अब तक किया उसी चीज़ को मेरे जब टूर किया था उस समय पूरा सबको बताया क्योंकि जनता को जानना है और साथ में वहाँ का जनता का जो प्रॉब्लम था सबसे ये जो बड़ा प्रॉब्लम था नेटवर्क का। आपका पारंग में जब हम गया था वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो वहाँ से आकर हम लोगों ने सरकार से रिक्वेस्ट किया, केंद्र सरकार में भी हमारा ये MP है वहाँ तक पहुँचाए, वहाँ से पहुँचाने के बाद आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल ऑल अरुणाचल में बहुत सा जगह में नेटवर्क लगाया। तो मैंने पारंग के लिए डिमांड किया था तो आज पारंग में नेटवर्क आ गया। जो चीज़ कांग्रेस का शासन में इतना साल में एक छोटा सा नेटवर्क को नहीं लगा पाया वो तो हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ऑल अरुणाचल में पूरा नेटवर्क 4G लगा दिया। उसी तरह मैंने गया तो मैंने अपना वादा किया 2024 नहीं आने से पहले हम यहाँ नेटवर्क बैठेंगे। उसी तरह हमने यहाँ से लेटर लिखा तो पार्टी भी एक्सेप्ट किया तो सरकार भी मेरे कहने पर माना, तो इसलिए पारंग में आज नेटवर्क है। सर जैसे कि आपने पारंग का जो नेटवर्क का इशू की बात की है, ये लिंगियों में जो है वहाँ भी नेटवर्क नहीं है, उसको लेके आपने क्यों बात नहीं की? नहीं, मैंने उसमें ये मेंगो का भी दिया है, उसका बाद एक ये जो गोतुपू का भी दिया है वो सेकेंड पेज में आने वाला है, वो भी आएगा। 24 नहीं आने से पहले आ जाएगा, उसके लिए वहाँ का जनता चिंता नहीं करना है, उसके लिए लेटर लिखा हुआ है। FECs का इशू जो जैसा उन लोगों ने डिमांड किया, हमारा
राज्य सरकार हमारा सीएम 13 डिमांड को मानकर और उसी डिमांड को हम लोग ने अभी पार्टी कार्यकर्ता को पूरा करके बताया, जनता को मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि सरकार को जो जो डिमांड किया उसी चीज को सरकार ने फुलफिल किया। लेकिन यहाँ कभी कभी ऐसे लगता है ये पॉलिटिकल सीनियर का बाजे से कुछ लोग सरकार को बदनाम करने कर रहा है। देखिए, ये सरकार बीजेपी सरकार आने के बाद आज राज्य में ऐसा 35 डेवलपमेंट हो रहा है, आप खुद ही गिन नहीं सकता है ऐसा 35 डेवलप हो रहा है। तो उसी सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग लगा हुआ है। सरकार को जो पॉइंट रखा, सरकार उन पॉइंट को सीबीआई डिमांड किया, सीबीआई दिया, ईडी डिमांड किया, ईडी ये जो आने दिया, जिसको जिसको अरेस्ट करना था उसको वो तो कर रहा है, वो तो कानूनी कर रहा है ना। सीबीआई ये नहीं कि सीबीआई को आज ही अरेस्ट करो, आज नहीं कर सकते। हर एक चीज़ जो सिस्टम से जाएगा तो कानून का ये जो मुताबिक चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये कैपिटल को बनकोल करेगा, वो करेगा, ये तो टोटली मैं तो नहीं मानता हूँ। बनकोल से कुछ भी सोल्यूशन नहीं होगा, बातचीत से सोल्यूशन होगा। तो इसलिए इस चीज़ को अगर ये मेतर को 13 पॉइंट मेतर को मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर उस चीज़ को देखने मन है मैं कागज़ तौर पर आप लोग को दे दूँगा सरकार ने क्या क्या किया है, और मैं उस कागज़ को मैं जनता तक कल परसों का अंदर मैं सब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, क्योंकि सरकार ये 13 पॉइंट को माना है और सरकार उस चीज़ को कर भी रहा है और आगे भी करेगा, अच्छा के लिए करेगा।